हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम बनाने वाले एक मैनिपुलेशन इमेज, एक मैनिपुलेटेड इमेज। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। गाइज, मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। मैंने एक फोल्डर बनाया है अपना मैनिपुलेशन का। तो उसके अंदर जो भी आज मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ अपनी मैनिपुलेशन इमेज बनाने में, वो सब है। तो गाइज, हम सबसे पहले जो है बेसिक बैकग्राउंड इमेज उसे ले लेते हैं। ये हमारा बल्ब, उसके बाद हमें इसको कंट्रोल जे करना है ताकि बैकअप के लिए हमारे पास रहे। उसके बाद हमें इसके अंदर का जो वायर है उसको हमें रिमूव करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे लासो टूल, एडिट, फिल, कंटेंट अवेयर, यूज में कंटेंट अवेयर, ब्लेंडिंग मोड में नॉर्मल, ओपेसिटी 100%, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी को चेक नहीं करना। ओके, कंट्रोल डी से। उसके बाद फिर से वही स्टेप को रिपीट। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। उसके बाद ये जो थोड़ा सा रह गया है इसको हम ट्रोलिंग स्टैम्प टूल से ही रिमूव करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं अच्छे से पूरा रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम अपनी एक इमेज लेंगे, डिजाइन वाटर की इमेज है। इसको लेने के बाद हम इसे एडजस्ट करेंगे, उसकी ओपेसिटी को लो कर देंगे थोड़ा ताकि हमें दिख जाए कि कहाँ एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद हमें इसको रेस्टराइज करना है और उसके बाद हमें इस पर क्लिपिंग मास्क लगाना है। उसके बाद हमें ब्रश लेना है। ब्रश में हमें फोरग्राउंड कलर को इस बार ब्लैक रखना है, क्योंकि ब्लैक रखेंगे तो हमारा बैकग्राउंड इरेज होगा, तो उस वजह से हमें इसे ब्लैक रखना है। रफली भी कर सकते हैं, फिर बाद में उसे रिटच करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ रह गया है, छोटा सा उसके वजह से थोड़ा बहुत कहीं पर अगर आपसे वाटर हो जाए तो आप उसको फोरग्राउंड को वाइट कर दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा
आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching guys. I hope this video helped you and don't forget to put a like on this video and if you are new here, press that red button and subscribe to my channel.